हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था कि हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करें तो आप लोगों को पता है कि हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस दो तरीके से करते हैं एक जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं मैं आप लोगों को जो हमारे स्टेट के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो करवा दूँ जिसमें आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में तीन से चार क्वेश्चन आपको दिखे थे दूसरा हम लोग क्या कोशिश करते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट उसको कवर करते हैं ये आप लोगों के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं है ये आप लोगों के जेके एस एस बी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है अभी जो आप लोगों ने देखा है जिसमें एस SI आई का आपका सिलेबस है वहां पे करंट अफेयर्स के रिलेटेड एक पूरी सेक्शन है उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा और क्या पता ये आपके इसमें क्लास फोर का जो एग्जाम आपका अभी है उसमें भी आपको जनवरी के क्वेश्चन पूछे जाए दो पार्ट में आपको लेक्चर मिलेगा हर एक महीने को मैं डिवाइड करूँगा पंद्रह पंद्रह दिन में और आपको बेस्ट जो फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं ट्रिपल एस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम आपको हम लोग अपडेट देते रहे आ रहे हैं फेसबुक ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इसी के साथ साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर के तुरंत बाद और इस सब के साथ ही जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं बहुत जल्द एक मार्च से आप लोगों के जो ऑलिव बोर्ड का हमने आपको रिकमेंड किए हैं नोट्स और मॉक टेस्ट इन्हीं का ही एक आप लोगों को वीडियो कोर्स मिल जाएगा और ये सारे की कॉस्ट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट इंक्लूडेड प्लस वीडियो कोर्स लेक्चर्स के आपको फिफ्टीन हंड्रेड के हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं आप, ले, ले, आप लोग ले सकते हैं इसमें एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको करवाएगी तो ये हमने आपको रिकमेंड करा है जिन लोगों को ये लगता है कि फ्री में सभी लोग पढ़ रहे हैं हमें कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना है तो पंद्रह हजार बीस हजार की कोचिंग ज्वाइन ना करते हुए आप लोग ये पंद्रह सौ रुपये का ले सकते हैं ऑलीबोर्ड की ऐप पर डाउनलोड करके आपको जेके एग्जाम दिख जाएगा वहां से ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही हैं स्टैट्स की मिल रही हैं कंप्यूटर की क्लासेस मिल रही हैं अकाउंटेंसी का ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आपको अपलोडेड है वो पढ़ सकते हैं साइंस की क्लासेज आपकी चल रही हैं इंग्लिश की क्लास आपकी चल रही है और जो टॉपिक अब आपके बच गए हैं वो हम बहुत जल्दी ही इसे स्टार्ट कर देंगे जीके का भी अभी हम लोग जैसे ही इकोनॉमिक्स हमारी एट्टी परसेंट खत्म हो गया हम उस पर स्विच कर देंगे वाहिद सर पढ़ा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको एम सी क्यूज फॉर्मेट में चीजें करवाता हूँ बच्चों को ये चीजें पता हैं जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं एम सी क्यूज फॉर्मेट में करेंगे हम चीजें जनवरी का पहला पार्ट है दूसरा पार्ट में आपको बहुत जल्द दे आऊंगा और हर पंद्रह पंद्रह दिन के बाद आपको मिल जाएगा जो स्टेट के हैं वो आपको दो आ, महीने बाद मिलता है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला है यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में खुला है क्वेश्चन आपको दो तरीकों में पूछा जा सकता है पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क किस स्टेट में खुला है ऑप्शंस आपके सामने होंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इस तरीके के तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में है ये दूसरा उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में खुला है तो आपको ये भी याद रखना है ये है आपका नैनीताल में तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इंडियन और फ्रेंच रफेल आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पहले हम ये देखेंगे आप लोगों को पता है कि फ्रांस से हम लोगों ने रफेल खरीदे हैं पहले जो रफेल का आया था आपके पांच सेट आए थे कहाँ पे आए थे ये आए थे आपके अंबाला में दूसरे जो सेट आए थे वो कहाँ पे आए हैं आपके वो आए हैं आपके गुजरात में गुजरात में कहाँ पे ये अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मैं आपको इसी एम सी की फॉर्मेट में जो पुराने करंट अफेयर्स भी हुए हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो आपका जनवरी में था इंपॉर्टेंट इंडिया और फ्रेंच रेफेल फाइटर जेट ने कैरी किया है एक एक्सरसाइज को कहां पे किया है ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है जोधपुर में किया है अब उस एक्सरसाइज का नाम क्या था पहली चीज यहां पे मैं आपको बता दूँ जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं गरुड़ वरुण और शक्ति ये तीनों एक्सरसाइजेज इंडिया फ्रांस के साथ ही करता है आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है वरुण वो है जो हम लोग नेवियल नेवल एक्सरसाइजेस है हमारी गरुड़ आ गई हमारी एयर एक्सरसाइज और शक्ति आ गई हमारी ग्राउंड लेकिन जो अभी हुई है फ्रेंच रफेल के साथ उसका क्या नाम है उसका नाम है आपका स्काई रोस तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो ये आपको याद रखना है फ्रांस के रिलेटेड बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसके तहत ये कनेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट वन टू करोड़ लोगों के साथ जो इंडियन हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं कहीं अलग अलग जगह पे रहते हैं तो उस पोर्टल का नाम क्या है तो उस पोर्टल का नाम है आपका ग्लोबल प्रवासी रिश्ता अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है जो आपके जेके एस में पूछा जा सकता है आप लोगों को पता है इंडिया एक एनआरआई डे सेलिब्रेट करता है एन डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका नाइन्थ ऑफ जैन नाइन्थ हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि तब हमने ये जो आप देख रहे हैं ट्रिपल एस ट्रिपल एस को शुरुआत करी थी मेरा खुद का बर्थडे होता है तो एन आर आई डे आपका नाइन्थ जैन को होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत तीन पॉइंट वन टू करोड़ लोगों से इंडिया जो है कनेक्ट रहेगा नाम क्या है इसका इसका नाम है आपका ग्लोबल प्रवासी रिश्ता तो ये आपको याद रखना है एन आर आई डे मनाया क्यों जाता है तब महात्मा गांधी इंडिया वापस आए से कहाँ से साउथ अफ्रीका से आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक्सपोर्ट करने का जो एक मिसाइल इंडिया में ही है इंडिया की खुद की मिसाइल है उसको अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यानी कि बाहर के बाकी देशों को बेचेगा तो उसका नाम क्या है उस मिसाइल का नाम क्या है तो उस मिसाइल का नाम है आपका आकाश वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने आप लोगों ने देखा होगा सेट किया है पाँच बिलियन का कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना है अपना डिफेंस की चीज़ें भी तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस विद मंथली टर्न ओवर ऑफ ओवर हाउ मच अमाउंट विल हैव टू मैंडेटरीली पे एटलीस्ट वन परसेंट ऑफ दे जी इन कैश दो तरीके से क्वेश्चन एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है पहला क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में पहला ये पूछा जा सकता है है कि कितने अमाउंट का या मंथली अगर आपका है, तो आपको एक परसेंट जीएसटी कैश में पे करना है तो इसका आंसर तो हो गया आपका पचास लाख या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है बिजनेस विद मंथली टर्न ऑफ फिफ्टी लाख तो उनको कितने परसेंट जीएसटी को कैश में पे करना है तो आपको ये दोनों अमाउंट को याद रखना है एक परसेंट पे करना है बात करते हैं हम नेक्स्ट पे विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन कॉल्ड एक जिला एक शिलिप तो ये किसने स्टार्ट किया है रिसेंटली तो ये स्टार्ट किया है आपका मध्य प्रदेश ने एक आपका आपका ये भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको ये बताना है ये किसका है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये किसका है तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है एक जिला एक स्लिप है आपका मध्य प्रदेश का नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सी ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड पहले रेलवे बोर्ड के कौन थे सी ईओ और चेयरमैन वो थे आपके वी के यादव जी चेंज हुए हैं अभी रिसेंटली किन्ने बनाया गया है तो ये बनाए गए हैं आपके सुनीत शर्मा जी को पहले कौन से थे अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपके वीके यादव ही थे इंपॉर्टेंट है आपको दोनों याद रखना है एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा पुरानी न्यूज नहीं है दो की ही है तो आपको ये दोनों याद रखनी है पहले पूछे जाएंगे तो वी यादव जी अगर पूछा जाएगा रिसेंट कौन है या नए कौन बने हैं तो वो है आपके सुनीत शर्मा जी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे सोमा मोंडोल को बनाया गया है चेयरमैन किस ऑर्गेनाइजेशन का पहली वुमेन होंगी जो इतनी बड़ी कंपनी के ये जो बने हैं तो ये बनाए गए हैं सेल का इन्हें काफ़ी पहले कहा गया था काफ़ी पहले का अपॉइंट हो गए थे लेकिन अब ये जो इन इनका टेन्यर स्टार्ट हुआ है एक जनवरी से शुरू हुआ है किसके हैं तो ये हैं सेल के तो ये भी आपको याद रखना है अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजी नेस्ट अब ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा डिजी नेस्ट किसकी है इससे होगा क्या ये क्वेश्चन अगर कि कुछ लोगों का जेके बैंक का इंटरव्यू है एस का है तो आप लोगों को ये भी याद रखना है आपसे पूछा जा सकता है रिसेंट है तो इससे क्या होगा डिजिटल एक्सेस मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी का तो किसने स्टार्ट की है ये ये की गई है आपकी पंजाब की द्वारा पंजाब इम्पोर्टेंट है बहुत तरीकों से पंजाब का नाम पंजाब क्यों है पहली तो ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पांच आपकी रिवर्स बहती हैं पांच रिवर्स का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इससे आप लोगों का भी जो नॉलेज है वो बढ़ती है अगर आपको नहीं पता किसी को पता है वो कमेंट में लिखता है आप कमेंट सेक्शन में जाते हो आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं तो काफी हेल्प होती है बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंट्री का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है किस स्टेट ने साइन किया है और किस मॉडल के अंडर बन रहा है पीपीपी अब ये पीपीपी क्या होता है ये है होता है आपका पब्लिक प्राइवेट और आप बताएंगे तीसरा पी क्या होता है यहाँ पे तो ये आपको बताना है पीपीपी बेसिकली है क्या आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहला पी स्टैंड फॉर सेकेंड पी तो इस तरीके से आपको बताना चाहिए पीपीपी मॉडल कौन सी स्टेट है जो स्टार्ट कर रही है कंट्री का पहला इथेनॉल प्लांट तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो आपका एस SI का सिलेबस है उसमें एक सेक्शन है करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में आपको सब टॉपिक दिए हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस कोविड नाइनटीन तो इस तरीके से कोविड नाइन्टीन के आगे आपको दिखाई गाइडलाइंस तो ये जो टॉपिक है बीस मार्क्स के सेक्शन में तेईस सब टॉपिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको अप्रैल में जो गाइडलाइंस मिली थी या जो मई में पिछले साल मिली थी वो पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में रिसेंट ही पूछी जाएंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए क्या है क्वेश्चन अभी आप लोगों को पता है दो वैक्सीन जो है वो अभी अप्रूव की गई है डी के द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर एमरजेंसी यूज तो उन दो का नाम क्या है तो उन दो का नाम क्या है वो है आपके शील्ड और कोवैक्सिन किसने बनाई है ये बनाई है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने बनाई है बायोटेक भारत बायोटेक इनका शायद से यही नाम है अगर मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अब यहाँ पे क्या है स्पतनिक वी जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है तो ये किसने बनाई है ये बनाई है रशिया ने ये आपकी पहली वैक्सीन है कोविड नाइन्टीन की तो ये भी आपको याद रखना है वर्ल्ड की पहली कौन सी थी जो अप्रूव हुआ था जिसे वो है आपकी स्पटनिक फाइव तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लाई एक नया एयरलाइन शुरू की गई है कहां पे तो आप लोगों को बता दूं आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में अः एक सेकेंड आप लोगों ने देखा होगा किस जगह पे जैसे आप लोगों की एयर इंडिया है इंडिगो है गो एयर है वैसे ही करके एक नई अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है फ्लाई बिग फ्लाई बिग कहाँ से शुरू हुई है किस कंट्री में शुरू हुई है तो वो आपकी इंडिया में हुई है आपको ये याद रखना है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग एक सेकेंड अब ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो दिसंबर का पार्ट कवर किया है अपने लोकल अफेयर्स का आप लोगों ने अगर वो देखा होगा तो आप लोग वहां पर अभी करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि जनवरी में बने हैं वो मैंने दिसंबर का कवर करा था चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो ये आपको बताना है किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपके uh, एक सेकेंड Hold. जी तो अब आपको बताना है किसे बनाया गया है चीफ जस्टिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो यह बनाया गया है पंकज मित्तल को पंकज मित्तल को यह बनाया गया है आपको याद रखना है इससे पहले गीता मित्तल थी तो ये सब चीज़ें नहीं अभी रिसेंट जो है ये आपको याद रखना है पंकज मित्तल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस पहले जो बनाए गए थे वो थोड़ी देर के लिए बनाए गए थे तो एक जनवरी से इनका टेंडेंस स्टार्ट हुआ है रिसेंट अगर पूछा जाए कौन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो इसको आप लोग हो सके तो अलग से अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का किसे प्रेजिडेंट बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपका संजय कपूर जी को आपको ये भी याद रखना है अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अलग से इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ वो आप लोगों के जेके एस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखिएगा इसे सेकेंड एडिशन होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तो कौन सी ऐसी सिटी है जो इसको होस्ट करेगी या जिसने किया है क्योंकि ये फेब्रेरी अब आपकी हो चुकी है आप लोगों को बताना है कि कौन इसे होस्ट करेगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं इसको होस्ट करेगा आपका गुलमर्ग पहली चीज तो ये अब यहां पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है पहली चीज पूछा गया है यहां पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछी है आपसे अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया गेम्स कहां होंगी तो वो होंगी आपकी पंचकुला में तो आपको ये याद रखना है पहली चीज कंफ्यूज नहीं होना अगर विंटर पूछा जाएगा तो गुलमर्ग में होगी इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए हॉकी आइस हॉकी कंपटीशन या चैंपियनशिप कहाँ पे होगी खेलो इंडिया के अंडर तो वो आपको बताना है वो होगी करगिल में आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसी में ही क्वेश्चन आएगा आपको तो वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रेलिंट अब कौन सी किसने स्टार्ट किया है ये आप लोगों को बताना है तो ये स्टार्ट किया गया है आपके मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपकी क्या है आप लोगों को बताना है लेकिन मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर जो हर पिछले चार साल से स्वच्छ भारत रैंकिंग में टॉप पे आ रही है सबसे साफ सिटी अगर पूछी जाए तो वो है आपकी इंदौर क्लास फोर में आपको स्टेट एंड कैपिटल्स हैं तो आपको बताना है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसे बनाया गया है पहला हेड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट सेल ऑफ इंडियन आर्मी अब इंडियन आर्मी के अंदर ही एक ह्यूमन राइट सेल बनाया गया है तो किसे इसका हेड बनाया गया है तो ये बनाया गया है मेजर जनरल गौतम चौहान जी को आपको यह याद रखना है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यह क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है पहला पॉइंट तो यहां पे ये दूसरी चीज क्या है ये कहाँ पे है यह आपका इंडिया में है मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कहाँ पे बनाया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट तो ये कहाँ पे किस डैम पे कंस्ट्रक्ट किया गया है तो ये किया गया है आपका ओमकेश्वर डैम के ऊपर अब कई जगह पे आपने देखा होगा आपको डैम्स भी लिखे हैं सिलेबस में या आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिखे हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं करंट अफेयर्स का ही पूछा जाएगा इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है इनमें से या पूछा जा सकता है डायरेक्ट ये कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया है तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है इसी के साथ बात करते हैं यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे होगी तो ये आपकी कारगिल में होगी कारगिल को आपको याद रखना है कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड का ध्यान देना है अगर आपसे विंटर पूछा जाएगा विंटर गेम्स खेलो इंडिया के कहाँ होंगे तो वो आपके गुलमर्ग में होंगे अगर आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया में आइस हॉकी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट कहाँ पे होगी तो वो आपकी कारगिल में होगी और अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ खेलो इंडिया कहाँ पे होंगे तो खेलो इंडिया आपके होंगे सिर्फ कहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वो होंगे पंचकुला में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पंचकुला कहाँ पे है तो ये है आपका हरियाणा में नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम लोग यूनियन गवर्नमेंट ने देखा है लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था अब हट चुका है अब अलग है लद्दाख तो लद्दाख की जो लैंग्वेज है कल्चर है और लैंड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग बनाई गई है, जिस किसके अंडर बनाई गई है चेयरमैनशिप के तो ये बनाई गई है आपके जी कृष्ण रेड्डी जी के चेयरमैनशिप के अंडर दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या लिखनी है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है लद्दाख का भी एक फेस्टिवल मनाया गया है दिसंबर महीने में काफी फेमस है जिस तरीके से हमारे यहाँ जम्मू में दिवाली होती है कश्मीर में आपके ईद होती है तो उसी तरीके से लद्दाख का एक फेस्टिवल है दिसंबर महीने में मनाया गया है उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आपको ये लिख के बताना है मुझे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मैन टेस्ट मैच अब यहां पे जो चीज है आपको देखनी है समझनी है क्या आप लोगों के ही एस आई में एक टॉपिक है फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इस तरीके से आपको लिखा है फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट्स कैटेगरी फर्स्ट इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा अब ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है फर्स्ट है वीमेन के ऊपर है तो ये अपने आप में ही क्या बन जाता है इंपॉर्टेंट तो कौन ऐसी पहली फीमेल मैच ऑफिशियल थी यहां पे, में टेस्ट मैच में, तो ये थी आपकी क्लारे क्लरपोलोक आपको ये याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन मैं ये लेके आया हूं ये आपके एसएससी में पूछे जाएंगे आपके जेके एस में पूछे जाएंगे वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर्स ये किसने स्टार्ट किया है कौन सी कंपनी ने शुरुआत की है ये की है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने तो ये आपको याद रखना है बात करते हैं नेक्स्ट पे अब थैला बैंक ये किसने स्टार्ट किया है कौन सी म्यूनिस्पल कारपोरेशन ने स्टार्ट किया है थैला बैंक अब थैला बैंक है क्या थैला आप लोगों ने देखा होगा जो थैले लेके घूमते हैं हम लोग आम इससे क्या होगा पहली चीज एक तो ये आपके थोड़े से सस्ते हैं दूसरा जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसे रोकने के लिए ये किए गए हैं थैले आपके बनाए जाएंगे घर पे कपड़ों के तो ये बेचे जाएंगे वुमेन को रोजगार मिलेगा तो ये आ, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये किस जगह का है किस मुंसिपल कॉरपोरेशन का है तो ये है आपके लखनऊ मुंसिपल कॉरपोरेशन का बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस स्टेट का है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किसका है तो ये है आपका मणिपुर का फेस्टिवल है रिसेंटली जनवरी में ही सेलिब्रेट किया गया है इसीलिए यहाँ पे है आपके सामने आपको तो याद रखना है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया है किस स्टेट में ये बनाया गया है तो ये पहला फायर पार्क जो बनाया गया है ये बनाया गया है आपका उड़ीसा में उड़ीसा के सीएम है आपके नवीन पटनायक जी जिनको पेटा की तरफ से क्या मिला था लॉकडाउन के दौरान हीरो का अवार्ड क्यों मिला था क्योंकि जब आपने देखा था लॉकडाउन हुआ था तब इंसानों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी काफ़ी स्टेट्स अरेंज कर रही थी कि लोगों को राशन मिलेगा इन्होंने एनिमल्स के लिए अलग से एक बजट निकाला था एनिमल्स के लिए बनाया था कि लॉकडाउन में वो भूखे ना रहे तो इस वजह से पेटा ने इन्हें अवार्ड दिया था ये आपको याद रखना है सीएम है कहाँ के उड़ीसा के उड़ीसा में एक जगह है भुवनेश्वर आप लोगों ने इसका बारे में भी सुना होगा भुवनेश्वर में आपका क्या होगा हॉकी वर्ल्ड का तो आपको ये भी याद रखना है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है आपका सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट से भी मोस्ट जितने भी मोस्ट आपको लिखने इसमें आप लिख सकते हैं यह किया गया है जम्मू कश्मीर ने आपके एग्जाम में जरूर आपको दिखेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के या एसआई के या फिर इंस्पेक्टर के जो कोई भी एक एग्जाम एक एक ऐसा हो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा इसके अलावा एक और ऐप लॉन्च की थी यहाँ पे ये भी आपको याद रखनी है यह भी आपसे पूछा जाएगा यह थी मेरा वेतन आपको यह याद रखनी है दो ऐप एक तो आ गई मेरा वेतन एक आ गई आपकी सतर्क नागरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बात करते हैं नेक्स्ट कौन से बैंक ने लॉन्च किया है शौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू आर्मी पर्सनल अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता दूं पिछले साल क्या था शौर्य केसीसी कार्ड एक लॉन्च किया था किसने एच ने कुछ लोगों ने कहा था कि हम बैंकिंग के करंट अफेयर क्यों पढ़ते हैं ये एग्जाम में नहीं है बैंक का एग्जाम नहीं है तो आप लोगों को बता दू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ही आपको बैंकिंग के करंट अफेयर क्वेश्चन से पूछे गए थे कि कौन से बैंक अब रह चुके हैं मर्जर के बाद तो ये जनरल करंट अफेयर में इस समय इतना चल रहा है आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है ये नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है आपको हर एक फील्ड की ज़रूरी नहीं है कि आपको पंचायत का ही पूछा जाएगा या फाइनेंस का ही पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में आपका सब कुछ आ जाता है पूरा ये जितना भी दुनिया है सब आ जाती है तो किसने स्टार्ट किया है ये तो किया है आपके बंधन बैंक ने नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आर ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जिसके तहत क्या किया जाएगा जो जो भी आपकी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होते हैं उनको मैनेज करने के लिए तो इसके हेड कौन होंगे इसके हेड होंगे आपके बीपी पी कन गोजी अब आपको पूछा गया है एक टॉपिक है आपका रोल ऑफ आरबीआई ठीक है ये आपको पेपर में चीज दिखी है सिलेबस में आपको डाला हुआ है इंस्पेक्टर में भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी अब ये जो चीज है जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछा जाए कि आर जो है वो बैंकर है या फिर गवर्नमेंट का ये है बैंक है गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है तो ये सब चीजें आपसे जरूरी नहीं है पूछी जाए आपसे हो सकता है डायरेक्ट यही पूछा जाए जो एक नई काउंसिल बनाई गई है किसके चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई है जिससे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मैनेज किया जाए तो ये बनाई गई है बीपी कानूनगो के अंडर अब बीपी कानूनगो कौन है ये हैं आपके आर के डेप्यूटी गवर्नर वाहिद सर ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डेप्यूटी गवर्नर कौन से होते हैं गवर्नर कौन है वो हैं आपके शक्तिकांत दास जी डेप्यूटी गवर्नर टोटल कितने होते हैं तो वो होते हैं आपके चार चार कौन कौन से हैं एक तो आगे आपके बी पी कन को एक आगे आपके एम डी पात्रा जी एक आगे आपके चलिए बाकी दो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कौन से हैं दो मैंने आपको बता दी यहाँ पे बाकी आप दो मेरे को लिख के बताएं कौन से हैं हर एक चीज मैं ही अगर यहाँ पे बता दूंगा तो आप लोग क्या सीखेंगे फिर तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे अब सी आई एस एफ के ने चीफ कौन बने हैं इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपके सुबोध कुमार जायसवाल जी को सुबोध कुमार जायसवाल जी को आपका सी आई एस एफ का नया हेड बनाया गया है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसके मिनिस्टर कौन है पहले तो ये बता दूं मैं आपको ये हैं आपके नितिन गडकरी जी नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है तो ये है आपकी नागपुर डिसाइड किया है रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करने का इंपॉर्टेंट ये क्यों है यहाँ पे कब से कब होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है अठारह फेबर जनवरी से सत्रह फेबर को होगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से पहले क्या होते थे आज से पहले ये वीक की फॉर्म में मनाए जाते थे अब ये मंथ मनाए गए हैं अब जैसे सेप्टेंबर आपसे पूछा जाए क्या मनाया जाता है इंडिया में तो इसको मनाया जाता है पोषण माह यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन नाइन्थ नौमा महीना होता है ये तो आपको बताया मदर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए नाइन्थ सेप्टेम्बर जो आपका सेप्टेंबर है उसे पोषण माह के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर किसके फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे किया जाता है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के कैंसर ये दोनों इसमें आ जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए रोड सेफ्टी मंथ कब मनाया गया है तो वो अठारह जनवरी से लेकर सत्रह फरवरी तक मनाया गया है इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट uh, किया है एम्पॉवर्ड कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीन अंडर हुज चेयरमैनशिप अब वापस से ये क्वेश्चन आपके पेपर में है कोविड नाइन्टीन के एक सेक्शन बनाई है कोविड नाइन्टीन उसकी गाइडलाइंस एक बनाई गई है जितनी भी आप लोगों की अभी रिसेंट चल रही है तो ये यही क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे तो क्या है कौन है वो है आपके आर एस शर्मा जी राम सेवक शर्मा जी बनाए गए हैं यहाँ पे तो आपको याद रखना है बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैंडलेप पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है इंडिया का रैंक है एट्टी आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को करना है गूगल चेक करना है और बताना है फर्स्ट किसका है ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा आप सुनेंगे चले जाएंगे आपको याद नहीं रहेगी लेकिन जब आप लोग खुद जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे सर्च करेंगे नाम देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा बुक्स एंड ऑथर वापस से एक अलग सेक्शन है आप लोगों के इंस्पेक्टर में भी जो थर्टी मार्क्स का है रिसेंट ही पूछी जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगा छः पाँच छः महीने की मैं आपको करवा दूँ उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं जितनी भी बुक्स ऑर्थर्स होंगी मैं सारी आपको कर, 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 कवर करवा दूंगा अनस्क्रिप्टिड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा किसकी बुक है तो ये आपको बताना है ये है आपके आ, विदु विनोद चोपड़ा जी की बुक एक सेकेंड आज इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कोई नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे लेक्चर बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी देर बाद टाइम निकालना पड़ता है अभी आप लोग सोच नहीं सकते कि कितनी मुश्किल से टाइम निकाला है इस लेक्चर को बनाया है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चलिए लास्ट ही स्लाइड है तो बीच में तो छोड़ेंगे नहीं तो किसकी लाइफ पे ये बुक बनाई गई है ये ऑथर कौन है इस बुक का तो ये हैं आपके विंदु विनोद चोपड़ा जी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी कहाँ पर लॉन्च की गई है किस सिटी में की गई है ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि पहली एयर टैक्सी है तो ये की गई है आपकी चंडीगढ़ में तो ये तो थे हमारे फर्स्ट फिफ्टीन फर्स्ट जैन से लेके फिफ्टीन जैन तक के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा सिक्सटीन से लेके थर्टी तक आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन हमारी पिछली बार जो सीरीज चली थी उसमें से ही आए थे तो वो जे एंड के में किसी ने कवर नहीं किए थे हमने हर एक क्वेश्चन को कवर किया था तभी पेपर के बाद जो हमारे सेवेंटी थाउजेंड सब्सक्राइबर थे रिजल्ट आने के बाद वो सीधा एक सौ दस हज़ार हो गए वजह क्या थी एक इस चीज़ के पीछे वजह ये थी कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई थी आपको वहाँ पे पेपर में दिखी जीके के अराउंड सेवनटीन टू एटीन क्वेश्चन एज इट इज़ बाकी के क्वेश्चन तो बाद की बात है उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अठारह क्वेश्चन एक सेक्शन में अगर आपको दिख रहे हैं तीस में से जो हमने पढ़ाए हुए थे और ऐसा नहीं था कि हमने आपको सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ाई थी हमने सिर्फ आपको सिलेक्टिव पढ़ाया है इन इस जो अभी वीडियो आपने देखी है तकरीबन अगर मैं सारे कवर करवाऊँ तो छः सौ करंट अफेयर्स बनते हैं मैंने खुद इसमें सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी देता हूँ यहीं से आएगा नहीं आएगा तो इनमें से भी नहीं आएगा तो आप लोग हम पे भरोसा रखें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड बैचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी भी भाग रहे हैं तो उन लोगों को बता दूँ कि जो ऑलि बोर्ड के टीचर्स हैं वो इस समय इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज होंगे हर एक सेक्शन के फिर वो आपके अकाउंटेंसी हो कंप्यूटर हो या फिर आप लोगों की इकोनॉमिक्स हो हमारे एंड से जो चीज़ें चल रही हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाहिद सर इकोनॉमिक्स बेस्ट इन मैं नहीं मानता कि वाहिद सर के टक्कर का आपको कहीं पे भी दिखेगा स्टैट्स आपको अंजुम सर करवा रहे हैं हम लोग आपको फ्री में सारी चीज़ें देंगे जिन बच्चों के माइंडसेट में ये है कि हम लोग अगर पेड में जाएंगे तो हमारी सिलेक्शन होगी तो आप लोग पंद्रह हज़ार की जगह पंद्रह सौ में इन्वेस्ट करो हमारा सिर्फ यही एक आपको कहने की चीज़ है अगर आपको लग रहा है कि जी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं सबको मिल रहा है तो आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो पंद्रह देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग पंद्रह सौ रुपये में ऑलीबोर्ड के नोट्स मिल जाएंगे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सेक्शनल मिल जाएंगे मॉक तो हमने देने ही हैं आपको मैं बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा कि पहला मॉक हम कब देंगे तो ये आप ही लोगों के लिए है आप लोग आराम से फोकस करें सिर्फ पढ़ाई पे हमारा टारगेट सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए पैसे बचा के सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि हम जो आपको चीज़ें दे रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टैट्स अकाउंट्स कंप्यूटर इंग्लिश सारे कॉम्पोनेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों को हमारी कोशिश तो सिर्फ यही है कि आप लोग बस पढ़ते रहें घबराए मत मैथमेटिक्स की क्लास आपको बहुत जल्दी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो ये जो है ये इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड है आप लोग गूगल कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के बारे में ऐप डाउनलोड करके इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं एक मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे पूरा अपना हंड्रेड परसेंट दे के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हंड्रेड होगी अगर आप अपना हंड्रेड इन दो चीज़ों को दे देंगे आपकी सिलेक्शन आपको कहीं और से पंद्रह हज़ार बीस हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है आप बस पढ़ते रहे फोकस रहे हमारे एंड से ट्रिपल एस के एंड से जितनी चीज़ें आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं पहला फेज़ अभी हम लोगों का चल रहा है स्टडी प्लान तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं स्टडी प्लान में हम लोग आपको लेक्चर्स दे रहे हैं ऑलिब बोर्ड आपको लेक्चर्स एक मार्च से दे देगा स्ट्रेटेजी पे अब हम लोग काम करेंगे मार्च एंडिंग से मैं आपको शाम को एक वीडियो अपलोड करके यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे और जो तीसरा से, ऐसे है हमारा सक्सेस वो आई होप आप में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले और आप ही में से बच्चे सिलेक्ट होंगे आप लोग खुद देखेंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ ओके गाइस बाय बाय टेक केयर गुड नाइट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ मैं दिन भर आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरी रूटीन सुबह छः बजे स्टार्ट होती है और ये रात के बारह बजे तक काम चलता है डेली बिना ब्रेक के मेरे को ऑफिस भी जाना होता है उसके बाद यहाँ पे टाइम निकालना होता है सबके टीचर्स के साथ फॉलोअप करना पड़ता है लेक्चर्स अपलोड करने पड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चलता है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जब इतने अच्छा रिस्पांस देते हैं इतना प्यार देते हैं कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा हमें लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोग अपनी तरफ से प्यार जो दे रहे हैं बच्चों की एक उम्मीद है कि अगर कोई नहीं करवा रहा यहाँ पे तो ट्रिपल एस पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी तो यही एक चीज़ ऐसी है जो हमें इतनी हिम्मत देती है कि हम लोग ये चीज़ें कर सकें तो आप ही लोगों का प्यार है आप लोग देते रहें हम अपने एंड से जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे मिलते हैं अब आप लोगों के साथ शाम को मैं कोशिश ये रखूँगा कि हर पंद्रह दिन के बाद खुद ही ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँ आपको वेट ना करना पड़े तो अभी फ़िलहाल मैं तीन चार दिन में तीन पार्ट आपके लिए ले आऊँगा जनवरी का पार्ट सेकेंड और फरवरी का पार्ट फर्स्ट फिर मार्च में मैं कोशिश करूँगा ये एक सीक्वेंस में चलती रहीं चीज़ें तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ ओके गाइस बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट पढ़ते रहें सिलेक्शन लेते रहें और हमें प्राउड फील करवाते रहें